नमस्ते दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट सर्वे की तरफ जो हमारे देश के शहरों की गवर्नेंस सिस्टम्स की चैलेंजेस को बहुत गहरे पैमाने पर दिखता है जी हाँ बात करिए एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम्स एसिक्स 2023 की जो जानाग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी द्वारा पब्लिश की गई है इसमें कुछ बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स के सामने हैं और इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द द की हाइलाइट्स ऑफ़ एसिक्स रिपोर्ट ईस्टर्न स्टेट्स लीडिंग द वे रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा और वेस्ट बंगाल, इनका अर्बन लेजिस्लेशन काफी स्ट्रांग है स्पेशली कंपेयर्ड टू अदर रीजन्स ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी शुरुआत है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट एक डिस्टर्बिंग फैक्ट बताती है कि अर्बन लेजिस्लेश की एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत है सिर्फ उनचास परसेंट स्टेट्स यूटीज ने अपने म्यूनिसिपल लेजिस्लेश को अपने वेबसाइट्स पर पब्लिक डोमेन में डाला है ट्रांसपेरेंसी में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि पब्लिक को अपने गवर्नेंस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए मास्टर प्लान मिसिंग एक और कंसर्न ये है कि कम से कम 39% भारत के कैपिटल सिटीज को एक्टिव मास्टर प्लान की जरूरत है प्लानिंग के एब्सेंस में फ्यूचर चैलेंजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं मास्टर प्लान की जरूरत है ताकि हमारे सिटीज ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेनेबल हो सके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्ट्रगल रिपोर्ट बताती है कि अक्सर लोकल गवर्नमेंट्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट्स पर जो कि उनके फाइनेंशियल डिसीजंस को लिमिट करता है इसे उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर रोक है जो एक रोबस्ट अर्बन गवर्नेंस के लिए जरूरी है सिटी कैटेगोरीज का एसिमेट्री डिफरेंट सिटी कैटेगोरीज में फाइनेंशियल कंट्रोल में फर्क है जैसे कि मेगा सिटीज लार्ज सिटीज मीडियम सिटीज और स्मॉल सिटीज में ये एक स्टॉक इनक्वालिटी है जो समाज में हार्मोनियस ग्रोथ में रुकावट डाल सकता है दिस इज द डिटेल्ड व्यू ऑफ एसिमेट्री इन सिटी कैटेगोरीज स्टाफ अपॉइंटमेंट्स का चैलेंज मेयर्स और सिटी काउंसिल्स को लिमिटेड अथॉरिटी है स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में जिसे अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है ये एक सिस्टमिक इश्यू है जिसको सुधारने पर काम करना होगा ग्लोबल मेट्रोपोलिस से कंपैरिजन रिपोर्ट ने ग्लोबल मेट्रोपोलिस जैसे कि न्यूयॉर्क लंदन और जोहनसबर्ग के साथ हमारे सिटीज का डिटेल्ड कंपैरिजन किया है इसमें स्टाफिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आए हैं जो एक ग्लोबल परस्पेक्टिव से देखते हुए हमें अपने सिस्टम्स में सुधार करने की जरूरत समझता है बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड की लोकल गवर्नमेंट क्या होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि लोकल मामले को लोकल लोगों के द्वारा चलाया जाए ये सिस्टम गांव और शहर दोनों को इंक्लूड करता है ये गवर्नमेंट का तीसरा लेवल है यहाँ दो टाइप्स की लोकल गवर्नमेंट होती है गांव में पंचायत और शहर में म्यूनिसिपैलिटीज गांव की लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पी है भारत में गांव की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम तिहत्तर आरडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उन्नीस ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया ताकि देश के ग्रास रूट्स लेवल पर डेमोक्रेसी बढ़े और गांव का विकास हो शहर की लोकल गवर्नमेंट शहर की लोकल गवर्नमेंट ने हुई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के उद्देश्य से शुरू की गई भारत में आठ प्रकार की अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया कमेटी टाउन एरिया कमेटी कैंटोनमेंट बोर्ड टाउनशिप पोर्ट ट्रस्ट स्पेशल पर्पस एजेंसी चौहत्तर एथ अमेंडमेंट एक्ट जो शहर की लोकल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है पास हुआ पीवी वी नारसिम्हा राव की सरकार के दौरान उन्नीस में ये फर्स्ट जून 1993 को प्रभावित हुआ पार्ट नाइन एड किया गया जिसमें आर्टिकल्स टू फोर्टी थ्री पी से टू फोर्टी थ्री जे जी तक के प्रावधान शामिल है कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेल्थ स्केड्यूल ऐड किया गया जिसमें एटीन फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज है और आर्टिकल दो सौ तैतालीस डब्ल्यू के साथ डील होता है अब सवाल ये है हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं लोकल गवर्नेंस को यहाँ कुछ डिटेल सजेशंस है स्ट्रेंथन इन फिजिकल ऑटनोमी लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली रेवेन्यू जनरेट कर सके स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत को कम करना चाहिए ताकि वो अपने फाइनेंशियल डिसीशंस को एफिशिएंटली मैनेज कर सके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को डिवाल्व करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स के पास जिसे अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन स्मूदली हो सके इसे लोकल बॉडी स्ट्रॉन्ग और अकाउंटेबल बनेंगे और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आएगी ट्रांसपेरेंसी एंड सिविक एंगेजमेंट पब्लिक डिस्क्लोजर लॉज को यूनिफॉर्मली एनफोर्स करना चाहिए ताकि सिविक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली पब्लिश हो सके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जिसे सिटीजन्स ईजिली एक्सेस कर सके और अपने गवर्नेंस सिस्टम के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सके बेंचमार्किंग विद ग्लोबल मेट्रोपोलिस इंडियन सिटीज़ को बेंच करना चाहिए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ ताकि हम उनके सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर सके लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस ग्लोबली विल हेल्प अस इवॉल्व सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक सिटीजन एंगेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए थ्रू पब्लिक कंसल्टेशन फीडबैक मैकेनिज्म और पार्टिसिपेटरी बजटिंग ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना चाहिए जिसे सिटीजन्स अपने कंसर्न्स और सजेशंस शेयर कर सके और गवर्नमेंट उनकी वॉइस को सुन सके यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिजिटल गवर्नेंस टूल्स और प्लेटफॉर्म्स का यूज करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिड्यूस करने के लिए ताकि प्रोसेसिस एफिशिएंट हो सके और पब्लिक को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके तो दोस्तों ये था एसिक्स 2023 के रिपोर्ट का एक डिटेल्ड ओवरव्यू और कुछ सजेशन्स जो हमारे सिटीज़ की गवर्नेंस को बेहतर बनाने में हो सकते हैं स्टे informed, स्टे एंगेज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक